दोस्तों के साथ अपडेट्स शेयर कर रहा था चेक की, जिसको फीड नहीं करा रहे। तो यार अब एक और सीन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले एक चिक था और अब एक और निकल आया है। यार सेट हो जाओ, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। पहले छः एग थे और एक चिक था और अब दो चिक्स हो चुके हैं। तो यार अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब दो हो गए हैं तो इस फीमेल को थोड़ा टाइम दे देता हूँ, एक डेढ़ घंटा और, मे बी ये उनको फीड्स करवा ले, हो सकता। तो लेकिन मुझे टेंशन भी यार कि क्या होगा इसका। तो यार मुझे इस चीज़ की टेंशन है, तो प्लीज़ गाइस मुझे थोड़ा आइडिया भी दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक चिक को ना दूसरी फीमेल के नीचे रखा था, लेकिन मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा वेट किया, लेकिन उसने उस टाइम तक इसको फीड नहीं कराया जब एक चिक था, और अब तो दो निकल आए। मुझे टेंशन हो रही है कि इनका क्या होगा। तो प्लीज़ गाइस मुझे कुछ आइडिया दें, वरना फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन अब यही है कि मैं इनको उठा लूँ और हैंड फीड करा लूँ। तो हैंड फीड में आप लोगों को पता है फर्स्ट डे के चिक को हैंड फीड कराना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बचने के भी चांसेस फिर कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस मुझे कुछ आइडिया दें और मेरी हेल्प करें। सो व्यूअर्स ऑलमोस्ट 6 घंटे गुजर चुके हैं इन बच्चों को निकले हुए, और फीमेल ने अभी तक इनको ऐसे किसी को भी फीड नहीं करवाया, तो इसलिए हम अब इन बच्चों को फीड करवाने लगे हैं हैंड फीड। तो ये ना मुश्किल काम होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके पोटे में जाता हुआ। शुक्र है जी, इस बच्चे को हमने पहले फीड करवा दिया, एक बच्चे को। तो अब जो दूसरे वाले की बारी है, तो बात यह है कि पहले दिन के बच्चे को हैंड फिट कराना आपको पता है कितना मुश्किल काम है। तो लेकिन फिर भी दुआ करिएगा कि आगे ठीक रहे। तो यार मुझे लगा था कि छोटे वाले को खाना मुश्किल काम होगा, लेकिन छोटे वाले ने सही खा लिया। मुझे बड़े वाले की टेंशन हो रही है, ये बहुत ये नहीं खा रहा। बच्चों को हैंड फीड करवा दिया ऑलमोस्ट, इसने तो सही कर ली थी, इस वाले को मुझे टेंशन है, ये सही से कर नहीं रहा। तो इसकी अभी वैसे इतनी टेंशन भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी अभी तक ये जो है ये लगी हुई है साथ, जो सर्दी होती है। तो ये तो सर्वाइव कर जाए, इसका टेंशन नहीं है। इस वाले का मसला था, तो चलो शुक्र है इसने फीड कर लिया। तो दुआ करिएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये जल्द से जल्द अपने बच्चों को सेट कर ले और उनको फीड करा ले, क्योंकि मैं प्रॉब्लम ये कि अपने बच्चों को ना फीड नहीं करवा रही। तो अब हम इनको रखते हैं वापस।
सो व्यूअर्स, ये रहे बच्चे और ये ठंडे बहुत हो रहे हैं। मैंने इनका टेम्परेचर मतलब कि पहले कुछ और था और अब बहुत ठंडे हो गए हैं, तो इनको हम रखते हैं वापस ताकि जल्दी हीट में दोबारा से वो हो जाए। क्योंकि ये हमने इनको वापस रख दिया ताकि इनका टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हो जाए। बस यार इनके पेरेंट्स इनको फीड कराना शुरू कर दें तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो थैंक यू सो मच, मैं आपको नेक्स्ट अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे जो जो इनका होगा।